आइसक्रीम खाने के शौकीन तो आप होंगे और आपने वनीला आइसक्रीम खाई होगी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई होगी, या फिर आपने चॉको चिप्स या फिर बटर स्कॉच आइसक्रीम खाई होगी। तो अलग अलग वेरिएंट्स की आपने आइसक्रीम खाई होगी और उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग वेरिएंट्स के होते हैं। जैसे वनीला होता है सबसे बेसिक आइसक्रीम, उसी तरीके से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो जो स्टॉक एंड्रॉयड है वो है एकदम बेसिक एंड्रॉयड, क्योंकि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे गूगल डिजाइन करता है और फिर एज एन ओपन सोर्स सबके लिए उसे कस्टमाइज करने के लिए छोड़ देता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्टॉक एंड्रॉयड के क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं कस्टम यूआई के ऊपर। तो दोस्तों स्वागत है आपका, मेरा नाम है दीपक, आप है इस पे टेक्निकल फ्लाइट में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के टेक ऑफ करते हैं। दोस्तों पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है कि अगर आप जो भी फोन यूज कर रहे हैं, ऑनर का कर रहे हो, चाहे आप शाओमी का कर रहे हो, पोको वीवो या फिर पोको का कर रहे हो, तो मोस्टली सभी फोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जो ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, यानी कि जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में OEM बोलते हैं, ये इस स्टॉक एंड्रॉइड को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, ताकि जो आपके पास UI हो एकदम डिफरेंट दिखे। उसमें ये कुछ अपने एप्लीकेशंस भी ऐड करते हैं और कुछ एडवर्टीजमेंट भी ऐड करते हैं। तो जब एक स्टॉक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई करता है एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो वो बन जाता है कस्टम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे सैमसंग के पास है OneUI, शाओमी के पास है MIUI, और ऑनर की अगर बात की जाए तो उसके पास आता है EMUI। उसी तरीके से वन प्लस की बात करें तो उसमें आपको मिलता है OxygenUI। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग एंड्रॉइड के अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशन करके अपना एक नया यूआई क्रिएट करते हैं। दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड के कस्टम एंड्रॉइड के ऊपर बहुत सारे फायदे। नंबर वन फायदा यह है कि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द एंड्रॉइड सबसे पहले मिलते हैं। गूगल अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर निरंतर काम करता है, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता है। कई बार गूगल डेवलपमेंट जब करता है तो उसे कुछ कमियां दिखती हैं जिसे वो नेक्स्ट अपडेट्स में फिक्स करके लॉन्च करता है। तो अगर आपके पास स्टॉक एंड्रॉइड है, यानी कि वो एंड्रॉइड जो कि गूगल ने बनाया है और आपके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने उसी एंड्रॉइड वर्जन को यूज किया है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अगर है, तो आपको वो अपडेट सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि तो यहाँ पे एक डिवाइस मैन्युफैक्चरर को उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं अगर आपके फोन में एक कस्टम एंड्रॉइड है तो मैन्युफैक्चरर पहले उस अपडेट को लेता है, उसको कस्टमाइज करता है, क्योंकि जो अब ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से वो अपने जो एप्लीकेशंस उसमें उसने डाले हुए होते हैं उसको भी उसको मॉडिफाई करना होता है। तो ये सब काम करने में बहुत टाइम लग जाता है और आपके पास लेटेस्ट अपडेट ऑफ द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सही समय पे नहीं पहुंचता है। दूसरी बात इसमें ये होती है कि आपके पास सिक्योरिटी अपडेट सबसे पहले आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोन्स में हमारे बहुत सारे डेटा होते हैं जो कि सिक्योर रहने बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। कई बार गूगल को अपने एंड्रॉयड में कुछ कमियाँ दिखती हैं, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स दिखते हैं जिसको वो पैचेस के फॉर्म में अपडेट रिलीज निकालता है। तो ऐसे अपडेट मिलने, ऐसे पैचेस के आपको अपडेट मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर गूगल को खुद समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो सकती है और उसने उसका फिक्स बना दिया है, तो वो अपडेट आपके पास पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास स्टॉक एंड्रॉयड होगा तो यहाँ पे गूगल ने अपना नया रिलीज दिया, वहाँ पे आपको अपडेट मिला, सिक्योरिटी वाइज भी आपका फ़ोन ज़्यादा सिक्योर होगा, आपका डेटा जो होगा वो ज़्यादा जल्दी सिक्योर होगा। वहीं पर अगर आपके पास एक कस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस को लेके आपका जो मैन्युफैक्चरर है फिर वो अपना एक नया अपडेट निकालेगा और इस फेज में काफ़ी टाइम लग सकता है और इस समय तक आप कहीं ना कहीं पे अपने डेटा के इनसिक्योरिटी वाले जोन में रहेंगे। दूसरा बड़ा फायदा आपको मिलता है परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि जो एक स्टॉक एंड्रॉयड का रैम मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होता है, अनकॉम्प्रोमाइज्ड होता है। यहाँ पे गूगल इस बात का खास ख्याल रखता है कि आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस कहीं से भी लैग ना हो, उसकी जो रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज हैं और उनको यूटिलाइज करने की पावर है वो कहीं पे भी किसी और तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना हो। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस और बहुत ही बढ़िया स्पीड आपका मोबाइल फोन देगा अगर उसमें एक स्टॉक एंड्रॉयड का यूज हुआ हुआ है। तीसरी बात करेंगे हम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है ब्लॉटवेयर्स। स्टॉक एंड्रॉयड में आपको फालतू के एप्लीकेशंस जिसे हम बोलते हैं ब्लॉटवेयर्स या फिर कुछ एडवर्टीजमेंट भी हो सकते हैं, इस तरीके की आपको चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। आपके डिवाइस में जब ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो आपका डिवाइस के पास स्टोरेज ज्यादा होती है, क्योंकि जो भी ये ब्लॉटवेयर्स होते हैं ये मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिक होते हैं और ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस और कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट के फॉर्म पे होते हैं जो शायद उनकी आपको जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो आपको फालतू में दे दिए जाते हैं। और इन फालतू के ब्लॉकवेयर से आपके रैम का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पे बिगड़ सकता है, स्टोरेज के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस आखिरकार आपके डिवाइस में स्टोर होने वाले हैं तो ये कुछ अपनी स्टोरेज भी लेंगे, जिसके कारण आपके डिवाइस में जितनी स्टोरेज होनी चाहिए थी
उससे कम स्टोरेज ही आपको मिलती है। और साथ ही साथ में हो सकता है कि ये डुप्लीकेट भी हो, क्योंकि कई बार मैन्युफैक्चरर अपना कैलेंडर देता है लेकिन गूगल में ऑटोमेटिकली आपको कैलेंडर मिला हुआ होता है। उसी तरीके से हर मैन्युफैक्चरर अपना एक ब्राउजर देता है जबकि गूगल में आपको क्रोम ब्राउजर ऑटोमेटिकली मिला हुआ था। ईमेल्स या फिर कोई और फिटनेस एप्लीकेशन जो आपके मैन्युफैक्चरर ने आपको जानबूझ के आपके डिवाइस में डाल के दे दी है, शायद उसको आप कभी खोले भी ना। और मजे की बात यह है दोस्तों कि आप उसको हटा भी नहीं सकते हैं। ब्लॉटवेयर्स यानी कि जो ये फालतू की एप्लीकेशन आपके मैन्युफैक्चरर ने आपके डिवाइस में डाल दिए हैं, उसका जो दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो होता है बैटरी कंजप्शन। इन एप्लीकेशंस में से कुछ एप्लीकेशंस ऐसे भी होते हैं जो कि बैकग्राउंड में अपने आप ही चलते रहते हैं, जिस कारण से आपकी जो बैटरी है वो आपको बैकअप कम देती है, आपकी बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होती है या फिर आपकी बैटरी लाइफ के ऊपर भी असर पड़ता है। साथ ही में दोस्तों इन डॉटवेयर्स के या फिर इन एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चंस रहे हैं कि क्या ये एप्लीकेशंस सिक्योर्ड होते हैं, तो इनके बारे में बिल्कुल भी साफ नहीं कहा जा सकता है कि ये किस तरीके का डेटा आपके मोबाइल फोन से निकाल के अपने सर्वर पे भेज रहे हैं। तो ये फालतू की एप्लीकेशंस जो कि ये ब्लॉटवेयर्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो अगर आपके फोन में स्टॉक एंड्रॉइड है जो कि एकदम क्लीन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम वनीला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं या फिर हम इसे एक प्योर एंड्रॉइड भी बोलते हैं, तो अगर आपके पास ऐसा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिवाइस में है तो ये आपके डिवाइस को बहुत पावरफुल डिवाइस बनाता है। स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है और अपडेट्स भी आपको टाइमली मिलते हैं। अब दोस्तों एक बात ये समझने की है कि जब इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं तो फिर आखिरकार जो ये मैन्युफैक्चरर हैं ये कस्टम एंड्रॉइड बना ही क्यों रहे हैं। इसके दोस्तों बहुत फायदे इनको मिलते हैं। एक तो जो ये फालतू की जो एप्लीकेशंस डालते हैं इससे ये लोग अपना डेटाबेस बनाते हैं। फालतू के एप्लीकेशंस जो होते हैं ये ऑन डिमांड पे बनाए जाते हैं जिसके लिए इनको स्पॉन्सरशिप के तौर पे बहुत मोटे पैसे मिलते हैं। फिर एडवर्टीजमेंट, फालतू के नोटिफिकेशंस, इन सब का इनको काफी अच्छा पैसा मिलता है, इसके कारण ये कस्टम एंड्रॉइड आपके मोबाइल में डाल के आपको देते हैं। तो दोस्तों आप अगर नेक्स्ट फोन लेने जा रहे हैं तो आप स्टॉक एंड्रॉइड को प्रेफर करें क्योंकि ये सेफ है, फास्ट है और आपके मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को अच्छा बनाते हैं। अगर हम स्टॉक एंड्रॉइड फोन्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। माइक्रोमैक्स ने अभी इन फोन सीरीज लॉन्च करी है जिसमें उन्होंने दो फोन्स आपको दिए हैं जो कि नियर स्टॉक एक्सपीरियंस आपको देंगे। एक है नोट 1 और दूसरा है 1B, तो ये फोन आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा आपको नोकिया के फोन्स में स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलेगा। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप गूगल का पिक्सेल कंसिडर कर सकते हैं जो कि फुल्ली स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगा। आपको हर मैन्युफैक्चरर के साथ स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। शाओमी भी स्टॉक एंड्रॉइड बनाता है, लेनोवो, ये सब के सब स्टॉक एंड्रॉइड बनाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपने बहुत सारे फायदे जान लिए स्टॉक एंड्रॉइड के। कमेंट पे लिख के बताएं कि आपको कौन सा फायदा सबसे बढ़िया लगा और अगर आप नेक्स्ट फोन लेंगे तो स्टॉक एंड्रॉइड लेंगे या नहीं लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए टेक्निकल फ्लाइट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।